हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। बाड़मेर जिले में पुलिस अधीक्षक दीपक भार्गव के निर्देशन में अवैध हथियारों के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत धोरीमन्ना थाना पुलिस ने कार्यवाही करते हुए एक अवैध पिस्टल के साथ एक युवक को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। जानकारी के अनुसार पुलिस के जरिए मुखबिर को सूचना मिली कि एक अल्टो गाड़ी में युवक बैठा है जिसके पास अवैध हथियार हो सकते हैं, जिस पर थाना अधिकारी नाथू सिंह के नेतृत्व में पुलिस ने कार्यवाही करते हुए सुखराम पुत्र जोगाराम को पुलिस ने गिरफ्तार कर अल्टो गाड़ी की तलाशी ली तो गाड़ी से एक देसी पिस्टल, 10 जिंदा कारतूस व 3 खाली मैगजीन बरामद हुई, जिस पर पुलिस आरोपी व अल्टो गाड़ी को धोरीमन्ना थाने लेकर आई, जहां पर आरोपी को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ आर्म्स एक्ट के मामले दर्ज कर पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। और धोरीमन्ना पुलिस अब आरोपी सुखराम से गहन अनुसंधान में जुट गई है कि यह अवैध हथियारों को कहां से लाया था और इसको कहां सप्लाई करने के लिए जा रहा था। जागरूक टीवी के संवाददाता से बात करते हुए धोरीमन्ना थाना अधिकारी नाथू सिंह, इन्होंने ये कहा, सुखराम श्लोक जोगाराम बाईकास्ट जाट है, जो अपनी गाड़ी में हथियार लिए बैठा इवनिंग टाइम में किसी को देने जाएगा। इतला की तस्दीक की गई, वहाँ पहुँच इसको राउंड अप किया तो गाड़ी में बैठा ये शख्स मिला, जिसको नीचे उतारा पुलिस मुलाजमानों ने और अंटी की तलाशी ली तो उसमें एक देशी ब्रांड का पिस्टल मिला। फिर उसको राउंड अप करके पूरी गहनता से तलाशी ली गई तो 3 खाली मैगजीन, 10 जिंदा राउंड और 1 अल्टो गाड़ी जिसमें वो बैठा था, इसको जब्त किया है। FIR दर्ज की जा चुकी है, अनुसंधान मैं खुद कर रहा हूँ, आज इसको कोर्ट में पेश करेंगे पुलिस कस्टडी के लिए, ये मालूम करने के लिए कि हथियार कहाँ से खरीदा और इसके खरीदने का उद्देश्य क्या था। जागरूक टीवी के बाड़मेर से ठाकरा मेघवाल की रिपोर्ट।